अच्छा आप सबने देखा होगा हनी पाजी जब भी टी सीरीज के लिए कोई गाना करते ना तो टीजर आता है या वीडियो आता है उसके पे लिखा होता है भूषण कुमार मॉस्को माशूका बाय योयो हनी सिंह, भूषण कुमार फर्स्ट किस बाय योयो हनी सिंह। तो भूषण जी ने कभी कहा नहीं सारे मजे तो आप लेते हो मेरे नाम पे बिल क्यों फाड़ते हो? आप बहुत ध्यान से पोस्टर पढ़ते हो। हम और क्या करें, हमें तो आप अपने गानों में लेते हैं, हम फिर पोस्टर ही देख देख के कुछ। कब आ रहा है? आपने तो बताया क्या आ रहा है। अरे कंपनी आपकी, आप बताएंगे हमें। गुरु बिजी बहुत है। हम पाजी करते हैं जल्दी। अगली बार मुझे लग रहा है मैं जब यहाँ पे आऊंगा शो पे तो मैं जो कपिल भाई के साथ गाना वही प्रमोट करने आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। गुरु आपके गानों में जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं आपके गानों की पावर है या उन लड़कियों से पावर मिलती है आपको? आपके गाने में कभी लड़कों को नहीं लिया आपने कोई? जैसे हनी भाई ने लुंगी डांस में कितने लड़के नचाए। हमारा भी मन करता है कि हम भी थोड़ा खुल के नाचे। लड़के को देख के कितना टाइम नाचोगे? देखो आप ये शादी में होता है, अगर लड़के लड़के जब तक नाच रहे होते हैं तो लगे होते हैं एक दो तीन, दो जाने लगे हुए, तीन जाने, जैसे लड़की एंट्री मारती है सॉरी वो शादी वाले आ जाते हैं, भाई मैं नाचूंगा। ये स्टेप करो। दिव्या जी आपने हनी और गुरु दोनों के साथ काम किया, दोनों में शरारती कौन है ज्यादा? गुरु। हाँ I think गुरु ज्यादा शरारती है, that's true. I think ये मेरे सामने ज्यादा सोबर रहते, बट ये मुझे मालूम है क्योंकि ये जब रिहर्सल्स भी हमारी हुई थी इस गाने की तो ये खुद कोरियोग्राफ कर रहे थे स्टेप और डिजाइनर गाने का पूरा स्टेप बना रहे थे, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक्साइटेड है, शरारती है, बिकॉज़ थोड़ा मिस्टेक होना जरूरी है। गुरु दिखा दो कौन सा स्टेप तुम कोरियोग्राफ कर रहे थे, स्टेप दिखाओ ना डिजाइनर का। मैंने सिखा दिया है, मैंने खुद नहीं सीखा। अच्छा यू वांट टू लर्न? नो 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 आई प्लीज अर्चना जी आपको सीखना तो आ जाओ, मजा आएगा, मैं भी आपके साथ हूँ। प्लीज अर्चना जी आपको सीखना। अरे इसी बहाने आपका पूरा वो वार्डरोब ये सब दिखेगा, ऐसे स्टेप जाएगा, वो जूते पहने हैं, हम सब करते हैं। हाय राम, ओह माय गॉड। अच्छा हमें साथ में जिन्होंने स्टेप सिखाना है उनको भी बुलाना पड़ेगा। किन्होंने सिखाना है? जो है ना लड़की आई हुई है पीछे। तू सिखाते सिखाते मर जाएगा, मैं नहीं सीख पाऊंगी, लेकिन चल आप सीखोगे। आपको पता अर्चना जी जब पहली पहली बार आई थी ना फिल्म इंडस्ट्री में तो एक बंदे ने इनको डांस सिखाया, मतलब उसने कोशिश की, हुआ नहीं, अब उसने रंग रोगन का काम शुरू कर दिया। हम डांस सीखेंगे। बुला सकते हैं उनको? हाँ बुला लो टीम से। सो मैंने इनको स्टेप सिखाया जो अभी। अच्छा हाँ हाँ, और बाद में इन्होंने हम सबको सिखाया स्टेप, तो प्लीज एक बार। अच्छा आपने नाम नहीं बताया आपने। रूपाली। रूपाली आओ। सो तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली डिजाइनर पे हम सिग्नेचर देंगे यहाँ। अच्छा, सिग्नेचर करना। डिजाइनर पीछे आगे पीछे फिर वापस डिजाइनर पीछे आगे पीछे। ये कब सोचती हैं ये सब चीजें आप? पहले मैं ऐसे करूंगी फिर ऐसे होगा। हम तो पीछे लड़कों को घुमाते हैं पीछे आगे पीछे। छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं लेफ्ट हैंड हूं। तो मैं ऐसे करके करूं? इधर हो जाओ। ठीक है। नहीं ये स्टेप है तो आपको राइट में ही करना, क्योंकि आप सच में थोड़ा लिख रहे हो, यू जस्ट एक्टिंग। हां एक्टिंग कर रहे हो, पर स्पेलिंग ना गलत हो जाए। अरे चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। आप भी उल्टा जा रहा था, डिजाइनर के बाद तुम आगे कर रहे थे, मैं पीछे कर रही थी। ये कोई नई बात है? अरे चलिए चलिए अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। अरे यार लेकिन मैंने हील निकाल के तेरे पीछे भागना, मैं तो पकड़ लूंगी फिर। अर्चना जी के आउटफिट के लिए जोरदार तालियां, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रूपाली। थैंक यू रूपाली। अच्छा स्टेप आइए। दिव्या जी ने हाल ही में कहीं इंटरव्यू में बताया कि ये ना कभी कभी भूषण जी के कपड़े आर्टिस्टों को पहना देती थी। ओह आपके मन में नहीं कभी आया कि यो यो हनी सिंह के कपड़े मैं भूषण जी को पहना दूं? और चैन मैन पहना के भूषण जी यो यो करते आए तो हरे भरे लगेंगे कैप्सिकम। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट की थी डायरेक्शन और मैं म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट कर रही थी जी। और तब बजट एकदम मिलता ही नहीं था, बहुत कम बजट होता था। आपको भी नहीं बजट नहीं मिलता था। That's true. तो मैं सोचती थी चलो ये कपड़े यूज नहीं हो रहे, मैं यहीं से ले जाती हूँ वार्डरोब से। अर्चना जी से सीखो फिर।
अरे पति की छाती पे चढ़ के ऐसे निकालती है ये आप इनसे क्लासेस लो आप मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ शादी में भी आनाकानी कर रहे थे करते करते इन्होंने हाथ मरोड़ के ना फेरे लिए चल आगे चल ये बड़ी हैरानी हुई मुझे कि आपको भी बजट मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ मैं बात से अच्छा मैं जब रैपर्स को स्टाइल को देखा ना सबका अलग स्टाइल होता है उल्टी कैप यहाँ से टी शर्ट फाड़ लेते हैं यहाँ से पैंट फाड़ लेते हैं भारी चैन बॉडी पे कपड़ों से ज्यादा टैटू पाजी ये जो रैपर होते हैं फॉरन के भी रैपर जो सब ये करते हैं ये अपने मन से करते हैं कि इनको रात को सपने में कोई आता है इनको बोलता है कि ये पहनो आप देखो उनका कल्चर अलग है हमारा कल्चर अलग है लेकिन जहाँ तक फैशन है फैशन वर्ल्ड वाइड है तो इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको मजे आ रहे हो और जहाँ तक टैटू का सवाल है मेरी बॉडी में कोई भी टैटू नहीं है लेकिन टैटू के पीछे कोई रीजन होना चाहिए मुझे लगता है इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको समझ में आए और चेन्स भी अब मैंने दो चेने पहनी है ये एक अमर सिंह चमकीला के नाम की और एक अपाची सर के नाम की अगर अपाची इंडियन ना होते तो शायद मैं कपिल शर्मा शो पे ना बैठा होता क्या बात है तो उनसे मैंने रैप करना सीखा समझा मुझे पता लगा कि रैप होता क्या है और अमर सिंह चमकीला के बारे में पूरे दुनिया को पता है कि वो इतने बड़े लेजेंड थे तो उससे मैं बहुत इंस्पिरेशन लिखता हूँ इनफैक्ट मेरा गाना जो ब्लू आइज था वो मैंने लिखा ही चमकीला जी के गाने के रेफरेंस से लिया था अखा बिल्लियाँ थे गला गोल मोलनी तो आई थिंक यू शुड वेयर व्हाट यू फील भाई आप बड़ी जल्दी गाना बना लेते हो यार बड़े ब्लेस्ड हो आप कोशिश रहती है कभी किसी लिरिसिस्ट ने कहा कि मैंने यार एक रैप लिखा दो महीने लिखे आपने दो मिनट में फटाफट गा भी दिया नहीं मेरे साथ एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है कि वो गाना चला नहीं था लेकिन मुझे विशाल भरद्वाज जी ने फ़ोन करके बुलाया कि हमने गाना करना है साथ में मैंने कहा सर ठीक है तो उनकी फिल्म थी वो डेढ़ इश्क किया तो उनका यूपी का कैरेक्टर है दोनों का मामू का और भांजे का तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बहुत तैयार हो गया इतना एक्साइटेड कि गुलजार साहब लिखेंगे और मैंने गुलजार साहब की लिरिक्स में कुछ गाने का मौका मिलेगा तो मैं जाते ही मैंने कहा गुलजार साहब का है कहते वो तो पंचकुला में बैठे हैं तो मैंने कहा लिखेगा कौन तो कहते आप बताओ कुछ स्क्रैच तो वो लिखेंगे आराम से तो मेरे हमारे दिल्ली में एक ओल्ड स्कूल लैंग्वेज चलती है पुरानी दिल्ली में वो यूपी की लैंग्वेज से सेम एक्सेंट है अच्छा तो मैंने एक पुरानी लाइन जो सुनी हुई थी ना आ रही है ना जा रही है साला खड़ा खड़ा मुस्करा रही है तो गुलजार साहब ने उसको इतना बेहतरीन कर दिया उन्होंने लिखा ना आ रही है ना जा रही है रिवर्स में मुस्करा रही है ओनली गुलजार सन गेट टू आज तक सबसे फास्ट कौन सा गाना बनाया भाजी आपने सबसे फास्ट आई थिंक देसी कलाकार बना था पूरी एल्बम हमने 7 दिन में कंप्लीट करी थी अच्छा मिक्स मास्टर रिकॉर्डिंग म्यूजिक प्रोडक्शन एवरीथिंग इन 7 days वाओ क्या बात है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़